मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सड़कें और पुल बनाकर विकास पुरुष होने का दावा करते हैं, लेकिन ये विकास शायद राजधानी पटना तक ही सीमित रह जाता है। बिहार के ग्रामीण इलाकों में विकास आज भी नहीं पहुंच सका है। आज भी ग्रामीण इलाकों तक कई सरकारी योजनाएं पहुंचने की राह देख रही हैं। बिहार के बेगूसराय जिले के बखरी प्रखंड में मुंगेर को खगड़िया से जोड़ने वाली सड़क कई वर्षों से खराब है, जिस वजह से ग्रामीण रोज हादसे का शिकार होते हैं और साथ ही लोगों से लूटपाट की भी घटनाएं इस रास्ते पर काफी होती हैं। देखिए बेगूसराय से अनुज की ये ग्राउंड रिपोर्ट। ये रोड कम से कम 1.5 साल से यही दुर्गति है इस रोड का। ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं हमने रोड बनाए, बिजली दिए, ये किए वो किए, हम लोगों की किसानों को इतना परेशानी है जिसमें कहा नहीं जा सकता है। इस रोड का देखिए जो कि यहाँ पे जो है बार बार इसमें एक्सीडेंट होता है, मोटरसाइकिल वाले एक्सीडेंट कर जाते हैं। हम लोग आते जाते हैं, हमारे डेरा है यहाँ से 2 किलोमीटर दूर, हम आते हैं देखते हैं कर रहा है एक्सीडेंट करके, उसको उठा के डॉक्टर तक पहुंचाने के काम करते हैं हम लोग। यहाँ देखिए, यहाँ खुद ही एक मोटरसाइकिल वाले जो फिराजीपुर कटरवाला के थे, इसमें पलटी मार के पड़ा हुआ था। हमने उनका मोबाइल और मोटरसाइकिल लेके रोड पे दिए और राटन पंचायत मतलब राटन से गांव से मंगाए डॉक्टर को, उनको इलाज करवाए फिर घर भेजे उसको। तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं जो हमने रोड बनाए, ये किए वो किए, हमारे नज़र में तो कुछ नहीं किए, उनको तो सिर्फ वसूली चाहिए। ये रोड कितनों दिनों से खराब चल रहा है? लगभग 3 साल हो। अगर ये रोड खराब चल रही है तो आपको किन किन दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? तो इसमें रोड खराब है तो गाड़ी घोड़ा इस तरह जाता है, हम लोग किसान है जिसे सब्जी वब्जी लेकर इस तरह जाते हैं तो बहुत दिक्कत था, कभी कभी तो गाड़ी पलटी भी मार। बहुत दिन से खराब चल रहा है ये, पूरा बरसात में तो और चलने लगने रहता है, खड्डा खोदे में पानी भरा हुआ रहता है, उसमें उलट पुलट जाता है आदमी, सब लोड करके जाता है, बहुत दिन से गड़बड़ रोड है। इस रास्ते में तो कितना बार हमको घटना हो गया, पूरा पानी रहता है पते नहीं देता है रोड में कितना खड्डा है कितना कुआं है, सीधे जाते हैं बस एकाएक टूट जाता है गाड़ी या गाड़ी पलट जाता है, बहुत क्षति हुआ है रोड। पैसेंजर को चाहे आपके यात्री को क्या क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत है रोड खराब है तो जाने में बहुत कष्ट होता है, पूरे यहाँ से वहाँ तक पूरे रोड खराबे है। कितने दिनों से खराब चल रही है? लमसम 2 साल तो कम नहीं हुआ, 2 साल हो गया। अच्छा, जब आप इस रास्ता से होकर गुजरते हैं तो क्या आपका समय ज़्यादा लगता है रोड खराब होने के? हाँ, समय बहुत ज़्यादा लग जाता है। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि आपके गाड़ी पे पैसेंजर लोग बैठे रहते हैं, कभी गड्ढा होने के कारण चाहे रोड टूटी हुई के कारण आपका रिक्शा चाहे पलट गया हो, चाहे आपके यात्री लोग का प्रॉब्लम आया? हाँ, बहुत ही पलट जाता है और जाने आने में भी परेशानी होता है, पैसेंजर का भी और गाड़ी वाला भी दिक्कत होता है। तो बहुत दिन से खराब है, ठीक है, गाड़ी उड़ी इतना बड़ा बड़ा चलता है, तोड़ उड़ के बहुत डेंजरस कर दिया है, जितना रास्ता उस्ता में बहुत प्रॉब्लम होता है, रात में चलते हैं गुंडा लोग रास्ता में रोकता भी है, ठीक है, एक दो इतना रोका भी है हमको, तो ये सब बहुत गलत बात है, जानबूझ के मतलब फ़ायदा उठा रहा है, मतलब जनता के ही जब फायदा उठाना हुआ ना कि मतलब नहीं कोई कुछ बोल रहा है तो अपना टूटा हुआ रास्ता पर रात बिरात कितना बार यहाँ छीन छोर हो गया है, बहुत बार चेंज हुआ है। अपराधी प्रवृत्ति के लोग भी इस रास्ते में अपना डेरा बसेरा करते हैं। करते हैं, हमें 2-3 दिन पुलिस वाले को हम बोले हैं, हम खुद बोले हैं हमको यहाँ पे यहीं पे रोक रहा था, हमको रोड टूटा है रास्ता पे, ये ऐसा थोड़ा है कि देखते हैं कि बहुत गाड़ी गुजरती है और बड़ा वाला गाड़ी आके और सब तोड़ के खत्म कर दे, तो सरकार को ध्यान देना चाहिए ना। रास्ता खराब होने के वजह से गिरने का डर बहुत ज्यादा रहा, बस यही सबसे बड़ी समस्या है। पहले बना हुआ था ये टूट गया, अभी 3-4 महीना खराब चल रहा है रोड। ये रोड से चलता है, जब सीजन आता है तो कम से कम 50 गाड़ी चलता है, इसमें से 10 चक्का 12 चक्का दिल्ली जाता आता है। अच्छा, इस रास्ते से कितना लोग पर डे आते जाते रहते हैं? लगभग बहुत लोग जाता है, कितना गिनने पड़ेगा, ये रोड चालू बहुत है। जी हाँ, किन किन जिलों को जोड़ता है? ये बेगूसराय हो गया, मुंगेर हो गया, सब इधर से कट कट के जाता है, स्वर्ण पड़ता है इधर से, ये खगड़िया बाजार से घूम के जाना पड़ता है, ये फका फका जाता है सीधा अपना मुंगेर के लिए घोड़ा गाड़ी। अच्छा, ये जो रास्ता कितना किलोमीटर तक जर्जर हालत है? ये लगभग कितना 3-4 किलोमीटर तक पूरे खराबे रास्ता है। अगर ये रोड बन जाती है तो किन किन सुविधाओं का लाभ मिले?
ये रोड बन जाती है तो हमारे भाई रिक्शे वाले गरीब आदमी जो रिक्शे चलाते हैं ये लोग चला नहीं पा रहे हैं, एक चक्कर जाते हैं दूसरे चक्कर में इनका टायर पंचर हो जाता है, रिम टूट जाता है, चिमटा टूट जाता है। ये साइकिल से हम लोग नहीं जा सकते हैं, हम लोग किसान हैं, माथा पे बोरा लेकर जाते हैं, साइकिल से जाते हैं, साइकिल एक बार में ही पंचर हो जाता है। अच्छा, आपकी क्या मांग है? हमारी मांग है ये रोड सही कर दे, दुर्घटनाग्रस्त ना हो। आपने देखा कि किस तरह से खराब सड़क होने की वजह से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ता है। इसका सबसे ज़्यादा नुकसान छोटे व्यापारी उठाते हैं। अक्सर खराब रास्ते में वो हादसे का शिकार होते हैं। इन छोटे व्यापारियों की पूंजी का भी नुकसान सड़क खराब होने की वजह से होता है। खराब सड़क की वजह से रात में लोगों का आना जाना भी मुश्किल हो जाता है। मामले पर अधिक जानकारी के लिए जब हमारे पत्रकार BDO से मिलने के लिए गए तो उनसे बात नहीं हो पाई। हमारी टीम उनसे संपर्क कर इस समस्या में जल्द से जल्द बदलाव लाने का प्रयास करेगी। आपको हमारी पूरी ग्राउंड रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइए। साथ ही ऐसी खबरों को देखने के लिए डेमोक्रेटिक चरखा के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और Facebook पर उसे ज़रूर फॉलो कीजिए। धन्यवाद।